नमस्ते दोस्तों, रेसिपी ऑन रील्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार की एक स्वादिष्ट रेसिपी चने दाल की पूरी, जो कि बहुत ही कम सामग्री और बहुत ही कम तेल में बनाई गई है। तो आइए जानते हैं कैसे बनती है दाल पूरी। पहले लेंगे हम एक बर्तन और लेंगे एक कप चना दाल, लगभग 200 ml। इसमें डालेंगे साफ पानी और चना दाल को 10 से 15 मिनट अच्छे से भिगोकर छोड़ देंगे। भिगोना ज़रूरी है। इसके बाद इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए ताकि हमारा चना दाल केमिकल फ्री हो जाए। अच्छे से साफ़ कर लीजिए, पानी निकाल दीजिए और इसमें डालिए 2 कप पानी। अगर आप एक कटोरी चना दाल ले रहे हैं तो उसका डबल पानी डालिए। अब डालेंगे इसमें नमक 1 छोटी चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, जिससे कि कलर अच्छा आए, और 2 से 3 बूंद कुकिंग ऑयल, मैंने मस्टर्ड ऑयल ही डाला है। अब प्रेशर कुकर को अच्छे से बंद कर देंगे, फिर इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे और 4 से 5 सीटी लगवा लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे ही रखिए ताकि दाल अच्छे से पक जाए और पानी भी सूख जाए। 4 से 5 सीटी लगवा लीजिए। देखिए, मैं ले रही हूँ एक पैन, पहले इसे अच्छे से गर्म कर लिया है और केवल 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप घी या सनफ्लावर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ कटी हुई लहसुन, हरी मिर्च और 1 छोटी चम्मच जीरा और 2 तेज पत्ते भी डाल दूंगी। इसे बढ़िया से लाल कर लिया मैंने, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बस अब पकाया हुआ दाल डाल देना है और इसे मिलाते रहना है जब तक भरावन का मसाला अच्छे से सूख ना जाए। बस इसे 10 मिनट तक चलाते रहिए लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे ही। मसाला पैन में लगे नहीं, इसका ध्यान रखना है मुझे। अब स्टोव बंद कर देंगे और इसे पंखे के नीचे ठंडा होने देंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो अब आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूँ का आटा, 1 कप पानी, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 बड़ी चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना रह जाए। हमने जो तेल डाला था उसको अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स करते रहें जब तक गुठलियाँ ना खत्म हो। अब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी। हमें मीडियम सॉफ्ट डो ही रेडी करना है। हमें वैसा ही आटा बनाना है जिससे कि रोटियां अच्छे से बन सके। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें। अगर पानी बच जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आटा गूंथते रहे। अब इसमें कुकिंग ऑयल डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। फ्रेंड्स, अब हमारा आटा रेडी हो गया है। छोटे छोटे गोले बना लेंगे पहले, इनके बीच में गड्ढा कर लीजिए इस तरीके से, देखिए ऐसा गड्ढा। इसमें जो तेजपत्ता है वो हटा देंगे। अब भरावन डालेंगे। भरावन इतना ही डालना है कि हमारा आटा सील हो सके। एक्स्ट्रा आटा रिमूव करेंगे, इसे अच्छे से गोल कर लेंगे और इसे पतला करेंगे। देखिए ऐसे पतला कर दीजिए। आप इसे बेल भी सकते हैं। हमें बस ध्यान रखना है कि भरावन बाहर ना निकले इस तरीके से।
आप बेल भी सकते हैं। पहले डस्टिंग कर लीजिए, दोनों साइड आटा लगा लीजिए, इसे इस तरीके से बेल लीजिए। देखिए कितने अच्छे से हो गया। अब इसे सेक लेंगे। पैन पहले से गर्म कर लीजिए। पूरी को पैन में डालेंगे। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला था, क्योंकि पूरी को मैंने हेल्दी वे में बनाया है इसलिए तेल कम ही यूज किया है मैंने। आप चाहिए तो इसे छान भी सकते हैं। कुछ नहीं, पूरी को बस थोड़ा दोनों साइड से सेक दीजिए। देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। इस रेसिपी से 12 से 15 पूरियाँ रेडी हो जाएंगी, जो 4 लोगों के लिए काफ़ी होता है। इस तरह से मैं सारी पूरियाँ सेक लूँगी। ये देखिए हमारा पूरी रेडी है। बिहार में दलपूरी स्पेशल ओकेजनों पे बनाया जाता है। खीर आलू की सब्जी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। थैंक यू।